हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स, तो इससे ना आप अपने किचन के हर मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप है भिंडी को लेकर। जब भी हम भिंडी की भाजी बनाते हैं तो भिंडी की भाजी काटते समय आपने देखा रहेगा चाकू ना चिपचिपा हो जाता है, और सारी भिंडी काटते काटते ना चाकू पूरा ही चिपचिपा हो जाता है और गंदा दिखने लगता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप बताती हूँ। आप क्या करें, जब भी इस तरह से भिंडी काटें ना, तो भिंडी काटने से पहले ना आप चाकू के ऊपर थोड़ा नींबू लगा लें। तो पहले नींबू को थोड़ा काट के ले लें, तो इस तरह से नींबू काट के ले लेना है, और नींबू को ना चाकू के दोनों साइड इस तरह से लगा लें अच्छे से। तो इस तरह लगाने के बाद फिर आप भिंडी काटें। इससे क्या होगा ना, चाकू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। तो जब भी आप भिंडी काटें इस तरह से नींबू लगा के फिर काटें। तो आई होप ये टिप आपको ना बहुत पसंद आई होगी। तो आपको ये टिप पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। अगली टिप है एप्पल को लेके। जब भी हम खाने के लिए एप्पल काटते हैं तो कभी क्या होता है ना, थोड़ा एप्पल खा लेते हैं, बाकी खाने का मन नहीं करता, हम लोग रख देते हैं। तो आपने देखा रहेगा थोड़ी देर बाद में काला हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा टिप बताती हूँ। आप क्या करें, थोड़ा सा नींबू ले लें और नींबू को ना इस तरह से हल्का सा एप्पल के ऊपर घिस लें। ऐसा करने से एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं होगा और एप्पल के टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से आप अपने बच्चों को टिफिन में भी देंगे ना, फिर भी एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो आई होप ये टिप आपको ना बहुत पसंद आई होगी। अगली टिप बहुत ही यूज़फुल है। जब हम रोटी बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, रोटी बनाते समय उंगली जल जाती, तवा गर्म रहता है और गर्म तवे के ऊपर उंगली टच होती है, उसके वजह से ना उंगली में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो जब भी ऐसा हो उस समय आप क्या करें, रोटी के लिए आटा तो गुथा हुआ रहता है, उस आटे को थोड़ा सा ले लें और जिस उंगली में जलन हो रही है ना उस उंगली के ऊपर इस तरह से लगा लें। तो उंगली के ना चारों ओर इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह लगाने से ना उंगली में जलन नहीं होगी बिल्कुल भी, और थोड़ी देर इस तरह से रखेंगे ना तो उंगली एकदम ठीक हो जाएगी। तो जब भी मेरी उंगली इस तरह से जलती है ना, मैं उंगली पे तुरंत आटा लगा लेती हूँ, इससे ना उंगली में बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। तो आई होप ये टिप आपको ना बहुत पसंद आई होगी। तो आपको ये टिप पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें। अगली टिप है, कभी कभी क्या होता है ना उंगली में लग जाती है तो हम लोग उंगली के ऊपर ना पट्टी लगाते या बैंडेज लगाते, तो वो ना नहाते समय या फिर कुछ काम करते उस समय ना गीली हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, एक सिल्वर फॉइल ले लें और सिल्वर फॉइल को ना इस तरह से उंगली के ऊपर लगा लें। तो इस तरह से लगाने से क्या होगा ना, जब भी आप कुछ काम करेंगे, उंगली को पानी में डालेंगे ना, तो उंगली बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और जो पट्टी लगी है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो इस तरह से ना सिल्वर फॉइल को उंगली के ऊपर लगा लेना है, और इस तरह अच्छे से लगाने के बाद आप एक रबड़ ले लें और रबड़ को ना इसके ऊपर लगा लें। तो इस तरह अच्छे से रबड़ को लगा लेना है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया थोड़ा, तो इसके अंदर मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो सारी उंगलियाँ ना गीली होगी, लेकिन जिस उंगली में सिल्वर फॉइल लगाया ना वो बिल्कुल भी गीली नहीं हुई है। तो इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा, एकदम उंगली सूखी है। तो इस तरह से आप सिल्वर फॉइल लगा के कुछ भी काम करें या फिर नहाने जाए तो इस तरह से आप लगाएंगे ना, तो जिस उंगली में आपकी बैंडेज लगी या पट्टी लगी वो बिल्कुल भी गीली नहीं होगी। तो आई होप टिप आपको ना बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की टिप्स में से कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो यूजफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।